नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आपको बता दें, जो भी सिविल सेवा से जुड़ी हुई चाहे आरओ या आरओ की तमाम परीक्षाएं प्रायोगिक होने वाली हैं और हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर राकेश सिंह हैं और ये जो है जिस तरह से निःशुल्क कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। डिफेंस कैंपस की तरफ से जो क्लासेज जो गरीब बच्चे हैं जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, आप जिस तरह से निःशुल्क चला रहे हैं, किस तरह से योजनाएँ आप चला रहे हैं? योजनाएं देखिए, यहाँ हमने जबलपुर में आने के बाद हम देखा, काफ़ी रिसर्च किया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। अब चूंकि हम लोग सेना में हैं तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, तो हम सेना का जो हमारा एक्सपीरियंस है, वहाँ मैं टीचर रहा हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस यहाँ के बच्चों को देना चाहता हूँ, तो यहाँ के जो बच्चे हैं हमारा उसका लाभ ले सकें, जो हमने 17 साल सेना में सर्विस किया, वहाँ के लोगों को पढ़ाया और देश के लगभग हर स्टेट में हम रहे हैं और वहाँ का जो सारा एक्सपीरियंस है यहाँ के बच्चों को देने के लिए यहाँ सोचे हैं। अच्छा, यहाँ बैचेस कई प्रकार के चल रहे हैं। जो निःशुल्क बैच चल रहा है वो मित्र शक्ति बैच नाम से चल रहा है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति में क्या है, हम जैसे एक तो मैं हूँ डायरेक्टर खुद और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे हमारे एक फ्रेंड्स हैं डॉक्टर अंसार खान हैं, डॉक्टर संदीप यादव हैं, तमाम जो मित्र हैं, हाँ, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टरेट हैं, वो सब मिलके उसको चला रहे हैं। सभी उसमें एक एक घंटे का योगदान करेंगे और इस हिसाब से उनका बैच चला रहे हैं फ्री में। और बाकी पेड बैच भी हैं, पेड बैच बाकी बच्चों के लिए हैं, जो बिल्कुल नहायत गरीब बच्चे हैं जो नहीं कर सकते उनके लिए फ्री बैच। तो ये बताइए सर, जिस तरह से तमाम जो है प्रायोगिक परीक्षाएं आ रही हैं, इससे बेरोजगार टहल भी रहे हैं, जिस तरह से वैकेंसियां नहीं है सरकार, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या कहेंगे, वैकेंसियां बेरोजगार टहल रहे हैं उसको लेकर, और जो है तमाम जो है इस तरह से जो है योजनाएं कभी नहीं आई जिससे जो बच्चे जो अपनी भविष्य बना सके। जी बिल्कुल, योजनाएं देखिए बनाना जो है सरकार का काम है, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार के कार्यों पर नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं, बट हमारा प्रयास है जब भी कोई योजना आए, सरकार जब भी कोई योजना लाती है या जब भी कोई वैकेंसी आती है, बच्चे इतने प्रिपेयर्ड रहे हैं कि मतलब उसमें अपना पहले से तैयार रहे ताकि उसमें अपनी एक सीट रिजर्व कर सकें या एक सीट उसमें अपना चयन कर सकें। ये बताइए, जिस तरह से आर ओ आर ओ की फार्म जो है, जिस तरह से बच्चे ताबड़तोड़ बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सेवा में तैयारी कर रहे हैं वो भर रहे हैं, सिविल सेवा में जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी परीक्षाओं को, कठिन वर्क रहता है, हार्ड वर्क रहता है, तमाम जो है परीक्षाएं, ये नहीं कि एक महीने में निकालने क्वालिफाई, वहाँ में लगना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है दिन ब दिन। जिस तरह से पौधे में पानी डालते हैं तो पौधा एक समय आता है तो अपने अवतार में आ जाता है बड़ा, उस पर क्या? हाँ, उस पर यही है कि जैसे हमने अब बताया कि हम इसलिए पहले से तैयारी करा रहे हैं, अभी देखिए वैकेंसियाँ काफ़ी कम आ रही हैं, ऐसे में आरओ वैकेंसी आई, अच्छी खासी वैकेंसी आई, 411 सीटें हैं और इसके साथ साथ अभी सीटें बढ़ने की संभावनाएं भी हैं इसमें, जैसे बच्चे हम इसी जो हमारे एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस प्लस हमारी जो मेहनत है जिसके द्वारा बच्चों को इतना हार्ड लेवल या इतना स्ट्रांग बना देंगे तो आने वाले समस्याएं इस तरह कोई समस्या फेस नहीं करेंगे, बशर्ते बस हमारे पास बच्चे आए। इसीलिए हम 15 दिन की फ्री ट्रायल करा सके ताकि बच्चे आए, देखें, समझे। और पूरे जौनपुर में एक देखा और खास बात है कि उतने मतलब है कई संस्थान है, हम उनसे थोड़ा बेहतर करके देना चाहते हैं। किस तरह से बेहतर करेंगे? बेहतर मीन्स जैसे ज्यादातर लोग 45 मिनट का पीरियड्स बनाते हैं, मतलब एक टोटल प्रोफेशनल क्लासेस चलाना चाहते हैं, स्टूडेंट ने कहा उससे वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा, स्टूडेंट आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, इस पर ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता। हमारा मेन फोकस हमारी एक घंटे की क्लासे है, 45 मिनट वाली नहीं है, प्लस उनका जो है वीकली चेकआउट है, हर सैटरडे टेस्ट है, इसके साथ साथ उनका डेली में आफ्टर है, डेली अगर कोई एबसेंट है क्यों एबसेंट है कहाँ है, ये सब भी हम इंक्वायरी करते रहते हैं, इससे बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी आएगा और आगे बढ़ेंगे हमारे साथ जुड़ के, उनके अंदर डिसिप्लिन आएगा। एक सवाल मेरा ये है, बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को नहीं पाते हैं, फिर भी एक दो प्रयास परीक्षाएं नहीं क्वालिफाई कर पाते, उनको क्या मोटिवेट देना चाहेंगे, किस तरह से वो क्या करें क्या ना करें ताकि परीक्षाएं क्वालिफाई कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हम कम से कम अपनी क्लास में 5 मिनट का जरूर जिक्र करते हैं, मोटिवेशनल 5 मिनट जरूर करते हैं, क्योंकि क्या आप पढ़ रहे हैं, हाँ, क्या आप पढ़ रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उनको बताते हैं लोग क्यों असफल होते हैं, असफलता क्या रीजन है और उसको असफलता कैसे डिलीट करके या उसको डिफीट करके कैसे आपको आगे बढ़ना है। एक सवाल मेरा ये है, असफलता अगर मिलेगी तभी तो जीत होती है जी, मैदान में जो बिल्कुल लड़ेगा वही तो जीतेगा, हार उसी को होती है जो जीतेगा तभी तो नाम पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही सेम मेरा है, मैं भी लोगों को मोटिवेट करता हूं, आप जो है टारगेट अपना मतलब सिद्ध उठा करिए, टारगेट पर फीड करिए और फिर उसको अचीव करिए, आप जरूरी नहीं आप सफलता मिले असफलता मिले, पहले आप पार्टिसिपेट करिए, सफलता मिलने की प्रॉपर संभावना है, अदरवाइज असफल हो जाएंगे अगली बार प्रयास करेंगे, ऐसा
मैदानी जंग में सभी जाते हैं युद्ध करके, कोई शहीद होके आता है, कोई जो है आतंकवादी या फिर तमाम ऐसे टेररिस्ट को गोलियों से छलनी कर देता है, बस उस पर क्या बोलेंगे जिस तरह से सेना के जवान जो है धूप हो या बरसात हो तमाम ऐसी परिस्थितियों में सेना के जवान डटे रहते हैं, आज देश जो है उनके सहारे टिका हुआ है। बिल्कुल, हम आप एक सैनिक हैं, आप उस दर्द को हम समझते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा है। नहीं, मैं इस आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। मैं अपनी क्लास में इसका जिक्र करता हूँ, मैं देवेंद्र यादव का भी जिक्र करता हूँ जिन्होंने 13 गोलियां लगने के बाद भी आगे झंडा फहराए थे। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि परिस्थितियां हैं कितनी विपरीत क्यों ना हो आपके, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास है, जुनून आपके अंदर है, आत्मविश्वास है, तो आप जरूर उस चीज को फतेह कर जाएंगे, कोई चीज आपको रोक नहीं सकेगी। बाधाएं आएंगी, ऐसा नहीं बाधाएं नहीं आएंगी, बट उस बाधाओं को आप कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे आप डील करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये टोटल डिपेंड वही बताता हूँ ना, बस उनके अंदर थोड़ा सा उत्साह जागृत करते हैं, उनके अंदर जोश जागृत करते हैं, उनको इस तरह ऊर्जा प्रेरणार्थक कहानियां बताते हैं, एक आध दो जो घटित हुई हैं, जो वाकई घटित हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव वे में आने। नेगेटिव हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, मोस्टली हम जो है हमारा मेन उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाना और पॉजिटिव ओरिएंस लाना। जो बहुत से बच्चे नेगेटिव रहते हैं आप उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल 100% उनको इस तरह से मोटिवेशनल चीजें बात करते हैं। हमारे दर्शक जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी चाहे अन्य प्रायोगिक परीक्षाएं में तैयारी कर, उनके हमारे दर्शक ऑडियंस से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऑडियंस से अपील यही करना चाहते हैं, अब तक जौनपुर में आपके लिए ऐसी सुविधाएं थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी, निःशुल्क नहीं थी और उस लेवल की नहीं थी। हमने ज्यादातर टीचरों को देखा है कि क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 17 साल सेना में सर्विस करने के बाद मैं नेट भी हूँ, PhD भी हूँ, हिंदी से हूँ स्पेशली, और आरओ में विशेष करके जो हिंदी का मेन रोल रहता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा 17 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ के बच्चों को दूँ ताकि वो उसमें परीक्षा में क्वालिफाई कर सकें। ये बताइए, आप सेना के जवान हैं, 17 साल आपने नौकरी किया वहाँ पर, जिस तरह से उसके बाद जो है फिर अचानक आपके बच्चों के प्रति जो रुझाव जी झुकाव आया तो मैंने स्पेशली जो है 17 साल करने के बाद मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद मैं घर पे अपने पेरेंट्स को देखभाल करने के लिए आया था, ओल्ड एज हो गए हैं, उनको देखने करने वाला कोई नहीं था। आज जब मैं घर पे रहने लगा मेरे पास पर्याप्त टाइम मिलना शुरू हुआ, तो मेरे मन में आइडिया है कि मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे अंदर जो आइडिया है, मेरे अंदर जो जो क्वालिटी है वो अपना एक रोक रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, इसका समाज को फायदा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्षेत्र में आया और सोचा ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग बीच जा सकूँ, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को अगर मोटिवेट कर पा रहे हैं, सेवा कर सके, वो कहीं जॉब लग जाती किसी परिवार में हमारे द्वारा, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर, डॉक्टर राकेश राजेश सिंह राजेश जी हैं, और ये जिस तरह से डिफेंस कैंपस की तरफ से ये जो है आयोजन किया कर रहे हैं निःशुल्क सेवा में, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं शिक्षा पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे आएंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे, और आरओ की तमाम प्रायोगिक परीक्षाएं आ रही, तो आप अच्छे से गाइडलाइन मिल सके ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारे जितने भी ऑडियंस सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक सेना के जवान जो है वहाँ से रिटायर लेने के बाद यहाँ पे जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं आप जैसे युवा, और जिस तरह से आपने ये कदम उठाया है सराहनीय है, शिक्षा के प्रति आप जागरूक कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।